नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, वही बांध पर भी स्थापित परिवारों से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री मिल जाएगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की ओर से हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अकराहा पंचायतों में नाव में बैठकर निरीक्षण किया गया। हायाघाट बांध के ऊपर रेलवे लाइन के बगल में बाढ़ से पीड़ित परिवारों ने आश्रय ले लिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने उन इलाकों का निरीक्षण किया और बांध पर विस्थापित लोगों परिवारों से बातचीत किया और कहा कि 24 घंटे के अंदर आप लोगों को राहत सामग्री मिल जाएगा, क्योंकि हम सरकार के काम पर कोई भरोसा नहीं करते। डॉक्टर मुन्ना खान ने तुरंत हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्ला खान से मिलकर ये निर्णय लिया कि बाढ़ के कारण जो लोग रेलवे लाइन और बांध के ऊपर विस्थापित हुए हैं, उनको अभिलंब राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जाए। इस काम के लिए हायाघाट प्रखंड के उपाध्यक्ष मुन्ना श्रीवास्तव, जिला महासचिव तहसीन खान, जिला सचिव अमजद खान, अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण दास, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष अमजद खान, महफूज आलम, हसरत खान और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिना समय गवाए पन्नी और खाने का कच्चा सामान, चूरा, चीनी, नमक, आलू, प्याज, हल्दी, धनिया, मिर्चा, करुआ तेल, मोमबत्ती और माचिस पैक कर एक किट बनाना शुरू कर दिया, ताकि जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने जो विस्थापित परिवारों से बात कही है उसको 24 घंटे के अंदर पूरा किया जा सके। उसी के अंतर्गत आज उन्होंने विस्थापित परिवारों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए कुछ खाद्य सामग्री दिया, ताकि लॉकडाउन के सताया हुआ परिवार और साथ में बाढ़ की चपेट में आए परिवार को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आज आप हयाघाट के बांध पे असराहा जो जगह है, किस अकराहा क्यों आए थे यहाँ आज आप लोग? देखिए, कल हम लोगों ने हयाघाट में अकराहा, अम्माडी, खराड़ी, इन सब जगहों का हम लोगों ने नाव से बाढ़ पीड़ित रहेगा, जो बाढ़ से पानी से जलमग्न हो गया उस एरिया का हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसका निरीक्षण का ये पता चला कि जो रेलवे की ट्रैक है उसके बगल में और बांध के ऊपर में लोग गाँव छोड़ के स्थापित हो चुके हैं, जिनके पास ना खाने के लिए, अभी लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर से मजदूर आए, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, पन्नी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने कि किसी हाल में भी इन लोगों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर जितने भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और उनकी मदद किया। क्या क्या आप लोगों ने बांटा सर? इसमें चूरा है, प्याज है, आलू है, चीनी है, नमक है, तेल है, मसाला है, माचिस और मोमबत्ती है, जो जरूरत की चीज होती है वो इसमें दी गई है, ताकि कुछ उन लोगों को राहत मिल सके। कितने परिवार को आपने बांटा? लगभग 70 परिवार में हम लोगों ने अभी बांटा है और आगे भी और टारगेट है इंशाल्लाह। और भी कोई, ये जन अधिकार पार्टी ने सोच लिया है कि कोई गरीब परिवार न भूखा सोए और न किसी के न कोई भींगे, किसी के किसी मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम करते हैं। किस जगह बांटा आपने? अभी हम लोगों ने बांटा है अकराहा, ये बांध के ऊपर जो लोग विस्थापित हैं और रेलवे ट्रैक जो हायाघाट की तरफ जाती है, हायाघाट खरवाड़े के बीच में जो जगह है वहाँ पर जो लोग विस्थापित हुए गाँव छोड़ के आगे, उन लोगों को हमने बांटा है। क्या नाम? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला थे। किसके तरफ से मिल रहा भैया ये सब? ये मुन्ना खान जी के तरफ से मिल रहे हैं, जो पप्पू यादव जी है उनकी तरफ से। क्या क्या मिला है? ये प्लास्टिक मिले हैं और खाने पीने का कुछ सामान दिया गया है। क्या क्या चीज़ है खाने पीने के सामान में? खाने पीने में जैसे चूड़ा है, चीनी है, आलू है, प्याज है, तेल है, नमक है, ये सब दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन यादव हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? अकराहा दक्षिणी। अकराहा दक्षिणी।